चलिए आओ मिलते हैं। आओ जी जी आया नू शास्त्री जी। बड़ी देर से तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। बहुत सुंदर लग रही है। मैं ना काला टिक्का लगा देती हूँ, मेरी नजर ना लगे। तेरी जगह वो है। लो भाई दुल्हन भी आ गई, दुल्हन के परिवार वाले भी आ गए, दूल्हे की माँ भी आ गई, दूल्हे के पापा जी भी आ गए, लेकिन दूल्हा कहाँ है? दूल्हे को बुलाओ। ओ दूल्हे राजा। लो भाई दूल्हा भी आ गया। कहाँ रह गए थे भाई? मुहूर्त निकला जा रहा और मैं सब कुछ ना मुहूर्त के हिसाब से करने वाली हूँ इस बार। चल आके रिंग पहना दे। मुंह मीठा करा। क्या सोच रही है मिंटी? नहीं कुछ नहीं। सहीन साहब हम कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? अभी एक ही साल हुआ है। तेरा जवाब तेरे सवाल में छिपा हुआ है मिंटी। एक साल पूरा हो चुका है। हाँ लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे अनु जिंदा और वो वापस आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना मिंटी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी शास्त्री जी से, रजत से और तेरे से भी ज्यादा खुशी मेरे को होगी। इतना प्यार हम दोनों का था ना, उतना किसी का नहीं था। लेकिन वो खुशी अब हमें नहीं मिल सकती मिंटी। अगर उस खुशी की उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे ना तो उस खुशी की निरादरी होगी जो हमारे घर में आने वाली है।
सबसे ज्यादा बुरा पता है किसे लगा? हमारी अनु को। सही कहा आपने, उसे सबकी परवाह थी ना, अपने बारे में कभी सोचती नहीं थी। जो कल बीत गया है उसके बारे में सोचने की बजाय आने वाले कल में अपनी रजत की खुशियों को ढूंढना चाहिए। इतना तो हमने अनु से सीखा ही है, जो होना था हो गया। आराम से नीचे आकर दर्द हो रहा है? वो घाव है ना। एक मिनट। अरे अरे एक वही रखिए, हाथ वही रखिए, दवाई लगा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये घाव पर ये मरहम लगा देते हैं ना, अब ठीक लग रहा है ना? प्रॉमिस करता हूं उसे, जब तक आपके ये घाव भर नहीं जाते हाथ नहीं उठाऊंगा आप पर, बिल्कुल भी नहीं मारूंगा आपको। अब ऐसा करोगी ना तो प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा हमें। ऐसा करोगी तो प्रॉमिस तोड़ सकता है। प्यार करते हम तुमसे, तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसे दिल तो हमारा बहुत करता है आपके साथ बहुत कुछ करने का, पर शरीफ होना इसलिए रुक जाता हूं। आपका भी तो करता होगा, मुझे पता है आप सोचती हैं, और ये सब नाटक है नाटक। देखो ना, जिस आदमी ने आपका इतना ख्याल रखा है उससे प्यार कैसे नहीं कर सकती आप? जिस आदमी की वजह से आज आप अपने कदमों पर खड़ी हैं, आज आप चल रही हैं, उससे प्यार कैसे नहीं कर सकती आप? जिस आदमी ने आपको नया जीवन दिया है उस आदमी से प्यार कैसे नहीं कर सकती आप? रजत बेटा, देवयानी ये देखो कितनी अच्छी फोटो आई है ना, बिल्कुल परफेक्ट पोज। तुम और भाई ने इसे अपने कमरे पे पोस्टर बनवा के रखे और नीचे मैं साइन कर दूं। बाय नील। थैंक्स। क्या हुआ, अनु भाभी को मिस कर रही हो? वैसे सच बात तो यही है कि तभी अनु भाभी को मिस कर रहे हैं, बस दिखा नहीं रहे। अनुष्का थी ऐसी। वैसे देवयानी भी काफी अच्छी है, तुम नहीं होती ना तो भाई टूट जाते। दोनों परिवारों को एक करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। थैंक्स। पर पता नहीं हम इन सब चीजों से नॉर्मल कब हो पाएंगे। अनुष्का इस रिश्ते से खुश तो होगी ना? बहुत। खुश तो हो ना? इस हालत में जितना खुश होना चाहिए उतना खुश तो हम है। देवयानी तुम ये रिश्ता किसी प्रेशर में आके तो नहीं कर रही ना? नहीं,
अनुष्का के जाने के बाद सदमे से बाहर निकलने में हमने आपकी हेल्प की, लेकिन सच बात तो यह है कि हम अभी तक खुद ही उस सदमे में हैं। एक्चुअली हमने आपकी कोई हेल्प नहीं की, आपने हमारी हेल्प की। तो अगर साफ साफ शब्दों में आपके सवाल का कोई जवाब है तो नहीं, हम ये शादी किसी भी प्रेशर में आकर नहीं कर रहे। बात सुन, तुझे ये लोग बंदे बंदे से नहीं लग रहे? देखना दोनों के चेहरे पे खुशी नहीं नजर आ रही। डॉली, इस माहौल में जितना खुश वो दोनों रह सकते हैं ना, उतने खुश हुए हैं। इस एक साल में इन दोनों का दुखी था जिसने इन्हें बांध के रखा, क्योंकि दोनों के दुख, दोनों की खुशियां एक ही थी। एक दूसरे का दुख बांटते बांटते इन लोगों ने खुशियां बांटनी शुरू कर दी, और मुझे लगता है ये छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे दुख इन्हें एक साथ बांध के रखेंगे। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है। सीरियसली, तू मेरे साथ खुश तो रह लोगी ना? आप रह लोगे? हाँ, अनु के अलावा अगर कोई है तो मेरी ये हालत समझ सकता है, तो मेरा ख्याल रख सकता है। जिसे मैं अपना ख्याल रखने दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। अनु के अलावा अगर मैं किसी के साथ खुश रह सकता हूँ वो भी सिर्फ तुम ही हो। वो गांव वाले आपको इतनी जख्मी हालत में जंगल से उठाकर लाए थे मेरे पास, याद है? पूरी तरह घायल थी आप, आपके सारे शरीर पर घाव थे, यहाँ खून, मुंह पर, चेहरे पर, हर जगह खून खून, पर फिर भी कितनी खूबसूरत दिख रही थी आप वो ब्लैक सूट में। मैंने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि अगर ये लड़की मर भी गई तब भी मैं इसी से शादी करूंगा। पर भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था हम दोनों के लिए, वो हम दोनों को मिलाना चाहता था, इसलिए उसने आपको जिंदा रखा। और ऐसा नहीं है कि जब आप बेहोश थी तब मैं आपको देखने नहीं आता था, घंटों घंटों में आपको घूरता रहता था। और कुछ दिनों बाद आपकी आंखें खुली, आपकी खूबसूरत आंखें, आपकी आंखें आपके चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत थी। कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? ठीक है आप? जानती हैं, आज आप जिंदा हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, मैं। जब आप मुझे मिली थी बिल्कुल मरी हुई हालत में मिली थी। चलिए, थैंक यू बोलिए, नया जीवन दिया है हमने आपको। थैंक यू। आप प्लीज हमारे घर वालों को फोन करके बता देंगे, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। क्यों और बता देंगे, क्यों नहीं? बताइए कौन कौन है आपके घर में?
हमारे पति। सास, ससुर, देवर, अरे खबर क्या देनी है आपके परिवार वालों को? हम खुद ले जाएंगे आपको उनके पास। अब देखिए, आपके परिवार वाले जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके सास ससुर, आपके पति, आपको इस हालत में देखेंगे तो अच्छा लगेगा? थोड़े दिन और रुक जाइए, ले जाइए, ठीक हो जाएगा ना। गेट वेल सून। कहा तो मैंने आपसे ये था कि मैं आपको आपके घर लेकर जाऊंगा, और झूठ भी नहीं कहा। देखिए ना, आपको आपके घर पर ही लाया हूं। जब आदमी आपका है तो उस आदमी का घर भी आप ही का हुआ ना। आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। एक साल से पान के रखा है, आप हमें हमारे परिवार के पास नहीं जाने दे रहे। इतने दिनों से हमें घूम ही नहीं पता कहाँ है। मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इतना काफी नहीं है आपके लिए? आपको क्या लगता है सर, मैं आपको बांध कर रखता, मुझे अच्छा लगता है ये सब? मजबूर हूं मैं, आप ही ने मजबूर किया है। मैं आज तक आपको अपनी मां से भी नहीं मिला पाया, सिर्फ इसी कारण से। मेरी मां हमेशा पूछती है कौन है वो लड़की जिसके पीछे तो इतना पागल हो गया है। क्या कहूं अपनी मां से, जिस लड़की के पीछे मैं पागल हूं उसे मेरी परवाह नहीं है। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूं मुझसे नफरत करती है, ये कहूं मैं अपनी मां से? प्लीज हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम अपने पति से प्यार करते हैं। सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं आप, और किसी से प्यार करने में नहीं दूंगा मैं आपको। और अगर कोई आपकी जिंदगी में आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सिर्फ मैं रहूंगा आपकी दुनिया में, मैं ही आपकी दुनिया हूं और कोई नहीं। फिर देखूंगा कैसे प्यार नहीं करती मुझसे। साहब, साहब, साहब क्या हुआ? जी मेरा काम हो गया, अब मैं जाऊं। खाना बना दिया तुमने? जी। कल टाइम से आ जाना। जी। भूख लगी होगी अन्नू को, खाना टाइम।